ठीक है, बात करने वाले प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण। आपने प्रधानमंत्री आवास योजना में फॉर्म फिल किया था, अपने ब्लॉक लेवल पर जमा कर दिया था, तो आप कैसे पता कर पाएंगे कि हमारा लिस्ट में नाम शामिल हुआ अथवा नहीं हुआ, या फिर हमारा पैसा है वो पहली किस्त है वो अभी जारी करी गई या नहीं करी गई, वो जानकारी इस वीडियो में हम सारी जानकारी आपको बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, आपको पीएम आवास योजना ग्रामीण की वेबसाइट है, आपको यहाँ पर आ जाना है। इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में लगा देंगे। जैसे आप यहाँ पर आ जाते हैं, यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा आवास सॉफ्ट का, उसके जस्ट नीचे यहाँ पे लिखा है रिपोर्ट वाली बटन, तो आपको इसी रिपोर्ट वाली बटन पर टिक कर देना है। तो देखिए, आपके सामने यहाँ पे ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। देखिए, यहाँ पे नीचे आना, यहाँ पे एच ऑप्शन मिलेगा सोशल ऑडिट रिपोर्ट का, आवास अप्रूव कर दिया जाता है। तो देखिए, यहाँ पे आपका नाम जोड़ दिया जाता है। अगर आपका यहाँ पे नाम है तो आपको आवास जरूर मिलेगा, तो आपको इसी पर टिक कर देना है। तो देखिए, आपके सामने यहाँ पे फिल्टर पेज आ चुका है। सबसे पहले आपको अपना स्टेट सिलेक्ट कर लेना कि आप किस स्टेट से आते हैं। उसके बाद यहाँ से आपको अपना डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट कर लेना कि आप किस डिस्ट्रिक्ट से आते हैं। उसके बाद यहाँ से अपने जो ब्लॉक होता है उसका नाम यहाँ पर सिलेक्ट करना, तो जो भी आपके ब्लॉक का नाम है वो सिलेक्ट कर लें। उसके बाद यहाँ पे आपको अपने गांव का नाम सिलेक्ट कर लेना कि आप किस गांव का देखना चाहते हैं। तो देखिए, आप अपनी पंचायत का देखना चाहते हैं तो पंचायत का नाम यहाँ पे आपको सिलेक्ट कर लेना है। उसके जस्ट नीचे यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पे पूछ रहा है कि आप कौन सी ईयर का देखना चाहते हैं, तो हम लेटेस्ट देखना चाहते हैं 2023-24 का। तो देखिए, आपको इसी पे 2023-24 पर टिक कर देना, सिलेक्ट करनी है। तो देखिए, यहाँ प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण है, तो फर्स्ट वाली पे ही टिक कर देना है। अब यहाँ से आपको ये नंबर्स हो रहे हैं 91-70, तो देखिए इनमें से माइनस करके आपको इस बॉक्स में डाल देना और सबमिट कर देना है। तो देखिए, यहाँ पे सिर्फ आपके गांव में, अगर आप अपनी पंचायत में देखेंगे तो देखिए जितने भी लिस्ट में नाम आए होंगे, देखिए सभी के नाम यहाँ पे शो हो जाएंगे। अगर आपका एक होगा तो एक लोगों की, दो होंगे, तीन होंगे, चार होंगे, जितने भी लोगों के नाम यहाँ पे होंगे समझ लो उनकी सभी की कॉलोनी है वो इशू कर दी गई है। आपको यहाँ पे देख लेना है किस तारीख को इशू की और कितना पेमेंट मिलेगा, तो इस लाइन को आपको पकड़ के इस तरफ लाना है। तो देखिए, यहाँ पे जो डेट यहाँ पर देखिए आपको लिख रही है सेक्शनल डेट, यानी इस तारीख को इनकी अप्रूव कर दी गई थी पेमेंट इनका। देखिए 1,20,000 रुपया यहाँ पे आपको दिया जाएगा। देखिए, एक इंस्टॉलमेंट इनकी पड़ भी चुकी है इनके अकाउंट में, और कितने की पड़ी वो देखिए यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी। और यहाँ पे देखिए अमाउंट किस तारीख को ट्रांसफर हुआ वो डेट देखने को मिलेगी, और इंस्पेक्शन डेट यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी, अगस्त में नाम यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो देखिए, आप इस तरह से चेक भी कर सकते हैं कि किन किन लोगों का नाम लिस्ट में आया, या फिर फर्स्ट इंस्टॉलमेंट किन की आ गई, या फिर कितने तारीख को ये सेक्शन अमाउंट हुआ है, वो सारी जानकारी आप यहाँ पे देख सकते हैं। वीडियो में जानकारी पसंद आई, वीडियो को लाइक कर।